हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स, ऑफिसर्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, और वो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने सीक्रेट्स और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर बैठे हुए हैं, सुमित चंद्रा जी, जिन्होंने सीजीपीएससी 2022 में 31st रैंक हासिल किया हुआ है और करेंटली इनको डीएसपी का पोस्ट मिला है। तो इनसे जानेंगे इनके सारे सीक्रेट्स और सारी स्ट्रैटेजीज। सो लेट्स वेलकम सुमित जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच में आने के काबिल समझा। एंड मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, जो भी हम लोगों की बातें हुई हैं उसके बाद मुझे सही में लग रहा है कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो हमारे ऑडियंस को जानना चाहिए। क्यों इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सर अभी पिछले साल के 2021 के एग्ज़ाम के थ्रू सर एजेएस सिलेक्ट हुए हैं, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट। तो जेल सुपरिटेंडेंट कौन होता है, क्या करते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और क्योंकि बहुत सारी स्पेशलिटी है सर की, बहुत बार इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, क्या क्या इन्होंने गलती की है, कैसे उसको इम्प्रूव किया, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में सर का 31st रैंक है, मतलब बहुत अच्छे स्कोर रहे होंगे, और सर का एक्सपर्टीज़ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर कोई भी यहाँ पर है जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में अटक रहा है, तो सर का बहुत अच्छे मार्क्स है, ऑलमोस्ट आई थिंक 130-140 आपने लेके आए हुए हैं, तो मतलब पता है। तो वो हर चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड रहिएगा। पर उससे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया, सब कुछ। जैसे सर ने बता चुका है कि मेरा नाम सुमित कुमार चंद्रा है, मैं कोरबा ज़िले का हूँ, और मेरी स्कूलिंग जो है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई है। 12वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की है, उसके बाद से ही मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैकेनिकल ब्रांच से सीसीटी कॉलेज भिलाई से हुआ है। और कॉलेज के दौरान ही मुझे एक कोचिंग में जाने का अवसर मिला था, जहाँ मैं एप्टीट्यूड के लिए बस गया था, पर वहाँ पे कुछ टीचर थे जो आते थे, संविधान पढ़ा रहे हैं, कोई इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसमें जानने का अवसर मिला कि कोई राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं, कोई अकबर, बाबर, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आकर्षित किया कि क्या है ये क्षेत्र, कैसा है, धीरे धीरे जाना इसको कि कैसा है क्या है। नहीं तो इसके पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था मेरा कि इस लाइन पे आना है, कुछ अलग ही प्लान था हम दोस्तों का। तो फिर जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद से रायपुर में कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए, एक साल कोचिंग किया, उसके बाद से पहले साल तो प्री क्लियर नहीं हुआ, बट उसके बाद से कंटिन्यू चार कब साल से आपने चालू किया था? 2018 में ही मैंने कोचिंग शुरू किया, मतलब जो 2018 से 22-23 तक की जर्नी रही है मेरी। 18 में प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, 19 में 161 रैंक आया था, 2020 का फिर मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, 2021 में 95 रैंक आए जिसमें एजेएस सहायक जेल अधीक्षक का पद प्राप्त हुआ, और 2022 में 31 रैंक आया जिसमें डीएसपी का मुझे पोस्ट मिला अभी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप शुरू से ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं क्या, मतलब एकदम टॉपर टाइप के रहे हैं क्या जो इतने अच्छे रैंक पे पहुंच गए? ना, कभी नहीं, टॉपर का तो सोच ही नहीं सकता था मैं। फेल भी हुआ हूँ, क्लास 11th में मैथ्स में फेल हुआ था, त्रैमासिक अर्धवार्षिक के आसपास, और पहले भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा। हाँ, मेरी दीदियाँ काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रही हैं, तो उनका असर आया ऐसा? हाँ, उनका असर अब आया। मतलब पीएससी लाइन में आके मैं समझ चुका था कि अब मौज मस्ती थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी, लाइफ में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब फेल हुए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा शायद, ऐसा कुछ सोच के तैयारी शुरू किया था। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा और बताइए कि ऐसा क्या चेंज रहता है एक स्टूडेंट में जो सिलेक्ट होता है और जो सिलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जैसा आपने कहा जो एक बहुत एवरेज सा है या ज़्यादा पढ़ाई नहीं मस्ती करता है, आपने अपने अंदर ऐसा क्या चेंज लेके आया कि फिर आप इतने अच्छे स्टूडेंट बन गए और फिर आपका पेपर निकलने लगे? क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जो अपने आप को फिर उस हिसाब से चेंज करेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो ज़रूरत है। हाँ, ये सडन चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आप एक बांध है ना, बांध, उसमें पानी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, वो एक संयम का बांध है। अब पानी जब एक्स्ट्रा आ गया तो वो बांध टूटेगा। तो वही था, कुछ चीज़ें जो थी जो माइंड में आ रही थी, फिर वो अचानक से टूट गई कि नहीं, अब तो खुद का कुछ पहचान बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि कुछ समाज में कुछ पहचान नहीं है, खुद के पैरों पर खड़े नहीं है, हर चीज़ के लिए मम्मी पापा पैसे दीजिए, दोस्त दे भाई तू पैसा दे, तो कब तक ऐसा चलता है ऐसा करके। खुद को सबसे बड़ी बात थी जो कि खुद, अब एक लाइफ मिली, खुद का तो कुछ पहचान हो, खुद को हमारे थ्रू मम्मी पापा को जाने, हमारे दोस्तों को जाने, हमारी दीदियों को जाने,
तो ऐसा एक मोटिवेशन था कि नहीं कुछ करना है यार ऐसा करके। कॉलेज लाइफ हो गया, स्कूल लाइफ हो गया, बट अब अगर बड़ा क्षेत्र में जाना है तो कुछ बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ेगा, बहुत बड़े चीज़ों को त्यागना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो सोचा, और इस फील्ड में थोड़ा सीरियसनेस आया। मेन वही है थॉट प्रोसेस हाँ, सबसे। थॉट मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज कर देंगे। कुछ घटनाएं हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है। जैसे मेरे केस में हुआ कि मैं देखता था कि उतना सम्मान नहीं है, उतना जान पहचान नहीं है, क्यों लोग मुझे जानेंगे। खुद से क्वेश्चन पूछा कि क्यों मुझे जानेंगे लोग, मैं किसी का कैसे काम आ सकता हूँ। एक एक थॉट ये भी था कि मेरे को थोड़ा शायद सॉफ्ट नेचर है, और किसी को देख रहा हूँ तो थोड़ा सा कुछ अच्छा करूँ उनके लिए, ऐसा कुछ सोचता हूँ। तो सेंसिटिव। क्या है ऐसा क्षेत्र जहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये भी एक थॉट था। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हुई और एक डिसीजन लिया कि नहीं, सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भले ही मुश्किल रहेगी, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल डिसीजन था कि इस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई उतना स्ट्रांग नहीं था। बट ठीक है, विश्वास, घर वालों का विश्वास था कि जा तू, तो उनका भी एक विश्वास मेरे लिए मोटिवेशन ही था कि नहीं अब तो करना ही है ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें थी सर। तो ये बताइए कि यूजुअली इतना टाइम लग जाता है क्या? 4-5 साल लग जाते हैं क्या? वो कौन लोग होते हैं जो एक बार में निकाल लेते हैं, वो जो हम लोग लोगों को देखते हैं? आपको भी ये थॉट आता होगा ना जब जी आप जी पहले बिल्कुल तैयारी किए बिल्कुल। होगे कि यार क्या 1 साल में हो जाएगा, क्या 2 साल में हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। इसका पूरा श्रेय ना गाइडेंस को जाता है। जिस इंसान को पता है कि यहाँ से कोरबा कैसे जाना है, वो एक बार में कोरबा जा सकता है। बट जिसको बताने वाला ही कोई नहीं है कि कोरबा का रास्ता हाईवे है, कि गांव के थ्रू जाओगे, कि गाड़ी से जाओगे, वो तो पहला कदम बढ़ाने में ही डरेगा, है ना। उसको टिकट कटाना है कि साइकिल से जाना, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो वही सेम चीज़ PSC में, जिसको पता है कि नहीं यहाँ से स्टेट रास्ता है, ये पढ़ना है, इतना समय लगेगा, इतना प्रैक्टिस करना है, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है सच में। वो नहीं लोग 1 साल में निकाल सकते हैं, बट जिनको जीरो आइडिया है उनके लिए मुश्किल है। पूरा का पूरा श्रेय यहाँ पे गाइडेंस को जाता है। गाइडेंस अगर अच्छा कोई गुरु मिल चुका है, कोई आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल बिना संकोच के लीजिए। वो लोग आपका बहुत साल बचा सकते हैं, खासकर जो शायद जो फेलियर है ना, उनसे अगर बात कर सको तो करो सब लोग, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ नहीं जाना है, कहाँ भटकना नहीं है। तो गाइडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, जो आपको 5 साल और 1 साल के बीच का अंतर को कम कर सकता है। बहुत सही। और मेरे में गाइडेंस की कमी रही थी। कोचिंग वाले लोगों का वही रोल है। कोचिंग वाले लोग आपको दिखा सकते हैं कि इस रास्ते पे जाइए, बट आपको फिर चलते चलते महसूस करना पड़ेगा उसमें कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है, आप ही को चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गाइडेंस बहुत बड़ा गेम प्ले करता है यहाँ पर। बहुत सही। तो ये बताइए कि ज़्यादा खुशी AGS वाला जब आपका रिजल्ट आया था 95, क्योंकि वो पहली सक्सेस था, जी उसमें ज़्यादा खुशी हुई थी कि अभी वाला जिसमें आपका नहीं, 31st रैंक AGS है? जब बना था तो मैं रोया था, क्या क्योंकि एक होता है ना माहौल था बताइए, जब रिजल्ट आया था जी, तब क्या मैं उस टाइम भी सोच घर रहे चला गया था। पिछला 3 रिजल्ट मैं रायपुर में रह के देखा था, 18, 19, 20, थे? बट 21 वाले में मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या था पता नहीं। मैं घर चला गया था, घर गया था कि मम्मी पापा के साथ देखूंगा, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद था कि शायद टॉप 10, 20 में आ जाऊँ। भले उतना अच्छा लिखा नहीं था, अच्छा था तैयारी नहीं था, बट एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि तेरा तो होगा, तेरा तो होगा, वही सोच के टॉप 20 वगैरह का सपना देखने लग गए थे। रिजल्ट आया, पहले पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे नहीं, देखा 95, तीसरे पेज के टॉप पे दिख रहा है। तो पहले तो पता ही चल रहा था कि पोस्ट लगा है कि नहीं, तो रोना शुरू कर दिया। मैं कमरे से बाहर निकल के अपने बाहर के झूले में आ गया, मम्मी पीछे पीछे आ गई, उनको पता चल गया कि रो रहा है, वो आके चुप करा रही है। फिर अचानक से जीजा जी का कॉल आता है मेरे, कि वो लोग चिल्ला रहे हैं कि लग गया AGS में लग गया। बट कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि जो चाह रहा था वो तो लगा ही, ये मन में आ गया कि फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर से खड़ा होने में जो दुख है ना, तो वो बहुत मुश्किल है। तो मन में आ गया कि फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। तो बट फिर मेरे दोस्त लोग आ गए, वो लोग अलग मिठाई विठाई लेके आए हैं, फिर थोड़ा एक राउंड घूम के आए हम लोग, तो लगा कि नहीं ठीक है, इतने लाखों लोगों में वो एक बनना भी काफ़ी है। तो फिर धीरे धीरे सम्मान जगने लगा इस पोस्ट के लिए। भले बहुत जगह से थोड़ा सा नेगेटिविटी आया कि जेलर का पोस्ट है ये वो, बट मेरे लिए सम्मानपूर्वक था ये, बहुत सम्मानजनक था ये चीज़, कि नहीं कुछ भी है, जैसा भी है, बट ये मेरे खुद के दम पे है, मैंने खुद अचीव किया है। तो बहुत बहुत बाद में फिर बहुत खुश हो गया मैं, बहुत ज़्यादा खुश था। और वही खुशी खुशी इस बार का तैयारी किया शायद, तो ये भी लग गया। तो ये मतलब वही चीज़ें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत हैं। जरूरी है।
अभी हम लोग अच्छे से बिल्कुल डिस्कस करेंगे एजेस में क्या होता बिल्कुल है, बिल्कुल। हर एक डिटेल करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिएगा। ये बताइए कि फिर अभी का जब रिजल्ट आना था तब क्या रिएक्शन था तब? वो तो हम लोगों ने देखा है, एक बहुत अच्छा मोमेंट आपने कैप्चर किया, हम लोग कोशिश करेंगे वो वीडियो को डालने के लिए। जी पर उससे पहले बताइए कि क्या माहौल था, क्या कर रहे थे उस समय पे? अब रिज़ल्ट मेरा इंटरव्यू 2 तारीख को था और पता चल गया था कि 6 को रिज़ल्ट आएगा, 6 को लास्ट इंटरव्यू था। नियम यह है कि लास्ट जिस दिन इंटरव्यू उस दिन रिज़ल्ट आ जाता है। तो इंतज़ार कर रहे हैं कर रहे हैं, 8 बज गया, 9 बज गया, आ ही नहीं रहा है। पिछले बार का रिज़ल्ट समथिंग 9-10 के आसपास आ गया था। 10 बज गया, मेरी दीदी और मम्मी ऐसे वहाँ पे गद्दा लगा हुआ था, साथ में सो रहे थे उस टाइम हम लोग, वो लोग सोने चले गए। वो लोग बोल रहे हैं अरे नहीं आएगा, चल बंद कर करके, पर पता था नहीं आएगा ही आएगा ऐसा करके। मैं सोफे में था, पीडीएफ आ गया, मैं नीचे आ गया, मम्मी आ गई रिज़ल्ट करके और डाउनलोड कर रहा हूँ। उस टाइम नेट स्लो हो गया, धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है। मम्मी भी बैठ गई थी, पहले वो वाला पेज, वो पीडीएफ खुला जिसमें क्या पद मिला है, वो वाला सेलेक्शन लिस्ट वाला, उसमें देखा कि डीसी लोगों का नाम देखा तो नहीं है, गया बोला। मैं डीएसपी वाले लिस्ट में देखा तो सुमित चंद्रा, मैं जोर से चिल्लाया मम्मी डीएसपी मिल गया ऐसा करके। फिर मैं ऐसे ना ऐसा बैठा था और पीछे गिर गया मैं खुशी खुशी में कि मम्मी लग गया ऐसा करके। मम्मी भी एकदम जोर से खुश हो गई। मैं बोला रुक रुक एक बार चेक करने दे, वो अनुपूरक सूची में थोड़ी नाम आया है वेटिंग लिस्ट में। मैं फिर से देखा कि नहीं सुमित चंद्र ये है, हाँ ठीक हो गया करके। फिर मम्मी अलग खुश हो रही, चिल्ला रही है। पापा उस टाइम भजन करने गए थे, उनको खबर पता चल गया, तो वहाँ मंदिर में अनाउंस हो चुका कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। फिर पापा जितना जल्दी हो सके आए, गेट का आवाज़ आया, मेरे को पता चल गया था कि पापा आ रहे हैं, कुछ तो होगा। मेरे को लगा था कि पैर वैर छुएंगे हम लोग, मतलब मैं छूऊंगा, वो आशीर्वाद देंगे, खुश रहेंगे। और उससे पहले पापा और मैं कभी गले नहीं मिले थे, लाइफ टाइम मेरे को याद नहीं आता कि हम लोग गले मिले हों। एक रहता ना बाप बेटे का रहता है रिश्ता, भले प्यार बहुत रहे बट एक मेल का बीच होता है कि नहीं लगते हैं गले। वो आके गले लग गए, मैं दीदी को बोल दिया था रिकॉर्डिंग करना, फिर गले मिले, वो रोना स्टार्ट कर दिए। वो फिर वो मोमेंट ना बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए लाइफ का। अब कुछ भी आए, अप डाउन्स लाइफ में आएंगे, बट शायद वो वीडियो ऐसा रहेगा कि उसको देख के मैं फिर से खड़ा होने का हिम्मत रहे मिलेगा मुझे। ये है बात सुन, क्या चेंज होता है आपके लाइफ में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं? वही चेंज आते हैं सर जिसके लिए हम लोग इस फील्ड में आए थे, जो सोच के आए थे, सम्मान, लोगों का नज़रिया, बहुत चीज़ें बदल जाती है। सब कुछ एक पीडीएफ से पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी उस दिन समझ आया। बहुत कुछ बताने के लिए बहुत कुछ है बट शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा चीज़ों को वर्ड्स में। सही बात। मम्मी पापा की खुशी सबसे बड़ी चीज़, खुद को एक कॉन्फिडेंट देना कि मैं कुछ कर चुका हूँ। जो एक दिन पहले जो तरस रहा था किसी चीज़ के लिए, वो अगले ही दिन कुछ ऐसा बन चुका है जिसके लिए लाखों लोग अभी लगे हुए हैं। तो ये एक अलग प्राउड खुद में होता है और बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। बहुत चीज़ें रहती हैं जो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। शायद सबके लिए वो चीज़ अलग होगी। हाँ बिल्कुल, सबकी सबका लक्ष्य अलग रहता है, सबका इस फील्ड में आने का थॉट अलग रहता है, तो सबकी खुशियों का तरीका भी, कारण भी अलग रहते होंगे। बट आपने जिस चीज़ से चालू किया था कि मुझे एक अपनी पहचान बनानी है, हाँ सेल्फ, वो एक इमेज चीज़ मुझे बनाना था, मतलब ऐसा था कि जाऊँ तो कोई दूसरा इंट्रोड्यूस कराए मुझे, मुझे ना कराना वाह पड़े, वाह वाह वाह। जो कि अब हो भी रहा हाँ, कैसा रहता है अभी का बताइए। तो अभी हम लोग थोड़े दिन पहले एक पार्टी में ही मिले थे, तो वहाँ पर उससे पहले क्या हुआ था वो सारी चीज़ें बताइए। वहाँ पे वही, मतलब मेरे दीदी और यहीं बिलासपुर में था पार्टी, दीदी और जीजा वो लोग बहुत खुश रहते हैं मेरे को कहीं ले जाने के लिए, तो उनकी खुशी देख के इतना खुश होता हूँ ना मैं कि ले जाते हैं मुझे, मिलाते हैं जीजा मुझे पर्सनली, अपने दोस्तों से मिलाते हैं, अपने सर लोग से मिलाते हैं, दीदी अपने सहेली रिश्तेदारों से मिलाती है, काफ़ी खुशी होता है एकदम, बहुत खुशी होता है। और वो लोग जिस खुशी से मुझसे बात करते हैं कि हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जब आपसे मिला ना, फिर उसके खैर मुझे तो बाद आपको मुझे इंट्रोड्यूस कराना पड़ा था। रियली सॉरी उस चीज़ के अरे लिए, नहीं नहीं कोई नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला पार्टी से, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया ना कि वहाँ, तो वो लोग पहले से जान रहे थे, हाँ हम लोगों को पता है ऐसा ऐसा करके, तो वो एक फीलिंग ही अलग रहती कि आपके जाने से पहले ही लोगों को पता रहता है हाँ या बातें वो। होती रहती हैं कि ये कौन है करके। और बहुत लंबा इंतजार भी था इस चीज़ का, सही बोलो तो
खुशी बहुत है, क्योंकि शायद इस लंबे इंतज़ार का भी बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर मुझे शायद एक बार या दो बार मिल जाता ना, तो इस खुशी को मैं शायद ऐसा सेलिब्रेट नहीं कर पाता जैसे अब किया हूँ, और इस पोस्ट का शायद वैसा सम्मान नहीं कर पाता जो अब कर रहा हूँ। इसको कमाने में जो 5 साल मैंने खर्च किया है ना, उसका वैल्यू शायद कभी चुका नहीं पाऊँगा, ऐसा है। और इसीलिए इस पोस्ट, इस जर्नी का सम्मान हमेशा लाइफ में बना रहेगा। तो कि आपने वो रहता ही है, हमेशा ही रहता है, जिस चीज़ को पाने में बहुत कड़ी मेहनत। आसानी से तो सबको अगर कोई चीज़ मिल जाती तो वैसे भी मुझे उस अभी चीज़ की जैसे मैसेज वैल्यू। आते हैं मुझे कुछ लोगों के कि सर मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं बोलता हूँ कि इस जर्नी को ना याद करना, याद रखना, क्योंकि यही 3 साल की आपकी जर्नी जो है ना, वो जब पोस्ट मिलेगा ना, तो आपको इतना खुशी देगा कि मैंने 3 साल दिया इस चीज़ के लिए। जो आपको अचीव होगा उसका रिस्पेक्ट, उसका वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों को टाइम लग रहा है वो एकदम निराश नहीं रही है, वो बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा, इसलिए आपको टाइम देना पड़ रहा है। सच में वही है। अब थोड़ा प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, बताइए हम लोगों को कि सबसे पहले प्रीलिम्स कैसे करना, क्योंकि आपके एक्सेप्शनल मार्क्स हैं। मतलब कहाँ लोग कट ऑफ के आसपास के लिए ड्रीम करते रहते कि हे भगवान इस बार कट ऑफ के आसपास करा देना करके, ये और उसके कंपैरिजन में आपके कितने मार्क्स आते हैं, कैसे इतने मार्क्स लाए जाते हैं वो बताइए। मैं नंबर मेरा जैसे कि 2018 में बहुत लिमिटेड पढ़ाई किया था, कोचिंग के जो मटेरियल मिल गए उसी को मैंने पढ़ा था, और उस टाइम टेस्ट सीरीज में भी अच्छा, मतलब टॉप में ही आता था, फर्स्ट कभी सेकंड ऐसा आता था, तो एक ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था कि नहीं अब तो निकल ही जाएगा ऐसा करके। तो दिलाने गया प्री, तो उस टाइम मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लगाया, इतना में तो हो जाएगा ऐसा करके, आके देखा तो कट ऑफ से 15-20 नंबर कम थे। तो तब समझ आया कि नहीं, ऐसा कुछ तो गलती किया हूँ। तो सब कुछ साइड किया, कोचिंग जो भी था मटेरियल सबको साइड किया, ऑथेंटिक बुक उठाया, जितने जितने भी बुक हैं ऑथेंटिक बुक उठा लिया मैं, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ना ऐसा शुरू किया कि शायद रिविज़न करते करते वो ऐसे मेरे टिप पे आ गए थे उस टाइम कि बहुत, मतलब रिविज़न करने में बहुत टाइम दिया हूँ मैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है प्री के लिए, तो रिवीजन भले ही आप दो सब्जेक्ट को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को छोड़ दो या इन्वायरमेंट को छोड़ दिया लास्ट में, टाइम नहीं रहा तो, बट किसी सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसके रिवीजन को लेके कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो मैंने संविधान, छत्तीसगढ़, भूगोल, भारतीय इतिहास और एक करंट, इसके लिए रिवीजन नेक्स्ट लेवल किया था। मैं खुद बोलूँगा कि बहुत अच्छा से रिवीजन किया था, जैसे लक्ष्मीकांत को ही पढ़ पढ़ के मैं, अब मैं किसको दे नहीं पाऊंगा वो बुक को, इतना फट चुका है वो। बाप रे, मेरे इतिहास का एक कॉपी है वो, मैं ऐसे उठाऊंगा तो वो पूरा झड़ जाएंगे वो। तो वो ऐसे था। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बोलूँगा ना, ऑथेंटिक बुक ले लिए, रिविज़न कर लिए, वो सब तो ठीक है, वो सब करेंगे ही, कर भी रहे होंगे, बट मेरा एक लाइन मैं बोलता हूँ कि ना, आप साल भर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बट उस 2 घंटे में आप अगर नर्वस हो गए ना, तो आपका प्री नहीं निकलेगा शायद। बट अगर आप एवरेज ही पढ़ाई किए हैं ठीक ठाक, बट वो 2 घंटे में अपने आप को बहुत अच्छे संभाले ना, उसका मैं निकलेगा ही निकलेगा बोल सकता हूँ। तो मेरा वो 2 घंटे ही मेन रोल रहता है। सबसे पहले मैं अगर क्लास में एंट्री कर रहा हूँ ना, उस प्री के एग्ज़ाम हॉल में, मैं ये सोच के चलता हूँ कि इस क्लासरूम से बाकी को मुझे नहीं पता कि बगल में कौन डीएसपी बैठा है, कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट बैठा है, मेरे को नहीं पता, या बैठा भी हो तो ठीक है, बट मेरा निकलेगा यहाँ से। सबसे पहले तो मैं ये सोच के जाऊँगा, उसके बाद मैं थोड़े से रिस्क लेता हूँ वहाँ पर। जैसे पहले राउंड में मैंने 50 क्वेश्चन बनाए, अब पता है कि 50 क्वेश्चन निकलने वाला तो है नहीं, उसको खींच खींच के मैं हर बार शायद 90-92 मार रही हूँ क्वेश्चन। अब वो तब मारने का हिम्मत आता है जब डीप पढ़े हो आप 2 क्वेश्चन को इलिमिनेट करके 2 क्वेश्चन तक पहुँचे हो लास्ट के, तभी, और उन दोनों में भी तब आप रिस्क ले पा रहे हो जब आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर रहे कि नहीं ये सही है ऐसा करके। तो ये एक तो इलिमिनेशन वाला मेथड है, और रिस्क लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा पीएससी शायद 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन विलोपित कर देगा, और किस्मत बहुत ख़राब रही तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन अगर फंस गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। और दूसरा एक चीज़ है, थोड़ा सा क्रिएटिव रखना पड़ेगा अपने आप को वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी एक क्वेश्चन था वो गिल्ली डंडा वाला, कि इसमें कथन थे कि दो रेफरी होंगे, गिल्ली की लंबाई रहेगी ये, तो मुझे उसका कुछ भी नहीं पता था, बट उससे मैंने बस ऐसा सोचा कि हाँ दो रेफरी तो रहेंगे, एक रेफरी यहाँ से मारने वाला, एक रेफरी वहाँ पे पकड़ने के लिए रहेगा जो उसको देखेगा। तो उसको मैं राइट समझा उस कथन को, और उस कथन को ऑप्शन में ढूंढा कि कौन हो सकते हैं, फिर मैं 2 ऑप्शन तक पहुँच गया, और फिर लगा दिया, थोड़ा सा सोच के लगाया। मतलब ऐसा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा वहाँ दिमाग, ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के गए हो 70-80 क्वेश्चन वही फंसेंगे,
ये सोच के चलो कि 50 क्वेश्चन ही बनेंगे, बाकी के आपके 40-45 क्वेश्चन आपको वहाँ पे तिगड़मबाजी करके मनाने ही पड़ेंगे। तो यही चीज़ें हैं सर प्री के लिए। तो मतलब उसके बाद जो आप टिकड़म लगा के बनाते हैं वो भी बहुत सारे सही होते होंगे ना, तब तो आप हाँ इतने अच्छे पे वो जाते तभी होंगे, सही वन होते हैं, थर्टी बहुत बहुत अच्छा वो होता सब है। तभी सही हो पाते हैं जब मैं बोल रहा हूँ, जब डीप पढ़ा हूँ। अब हमको अब सर बोल दिए हैं कि मारना है, ऐसा मारोगे तो गलत हो भी करेगा, बट किसी चीज़ को टॉपिक को आप डीप पढ़े हो तभी आप तो दो एलिमेंट कर पाए। क्या वो चीज़ सिर्फ पढ़ने की है कि आपने उतने भी क्वेश्चंस भी लगाए थे ऑब्जेक्टिव नहीं वाले? मैं हाँ 4 बार कोई प्री का टेस्ट सीरीज नहीं दिलाया हूँ, नहीं दिलाया हूँ मैं पहले फिर से बार मतलब कैमरा भी शायद वो सोचने लगे नहीं, कि मैं क्या। 2018 में प्री का टेस्ट सीरीज लगाया हाँ था कोचिंग में हाँ अपने, हाँ तो प्री निकला नहीं। तो मैं कुछ चीज़ों को समझा कि क्या क्या मेरे को नहीं करना है 2019 से। तो उसमें एक लिस्ट था प्री का टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है, और वो सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लगाना है। वो मेरे लिए मैं इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे को मेरी कमी पता था कि मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ एग्जाम हॉल में, मैं गलत गोले नहीं भर रहा हूँ, मैं नाम लिखने में कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ। इसलिए मैं समझ लिया कि मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, रैंक पीछे आएंगे, माइंड डिस्टर्ब होगा। इससे अच्छा रिलैक्स रखो माइंड को और मैं सीधा जाके एग्ज़ाम हॉल में ही क्वेश्चन मार रहा हूँ, ऐसा था। क्योंकि मेरे को मेरे रिविज़न, ऑथेंटिक बुक और वो तिगड़मबाजी पे विश्वास था कि नहीं मैं कुछ भी करके निकालूंगा। तो मतलब उस क्लास से मेरा निकलना ही निकलना मैं ये सोच के जाता था। और एक और बात बताऊं मैं आपको कि आपके अंदर जो मेरे को दिख रहा है कि ये नहीं है कि आपने ना सबको ब्लाइंडली फॉलो किया, ये हाँ ये थोड़ा है कि आपने सबका सुना पर अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उस चीज़ को अप्लाई किया ये। इसमें मेरी जो मेरी छोटी दीदी है स्वाति चंद्रा, वो 2019 जब मैं अगला प्री दिला रहा था, जब मेरे पास एक ऑलरेडी एक प्री फेल का टैग लग चुका था मेरे में, तो लाइब्रेरी में सब लोग टेस्ट दिला रहे थे, सब लोग कहीं कहीं पे जा रहे हैं, मेरे को पूछते थे तू क्यों नहीं जा रही है। तो मैं बहुत डर जाता था कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ करके। तो मैं मिंडी दीदी से पूछा, मतलब स्वाति दीदी से, तो बोली कि तेरे को लग रहा है क्या जरूरत है। मैं बोला कि नहीं दीदी, तो तू मत कर, साफ साफ बोली वो। ऐसा नहीं कि तेरे ऊपर है तू देख, वैसा नहीं, तेरे को चाहिए क्या टेस्ट सीरीज, तेरे को लग रहा है कमी है तेरे में, तो नहीं दीदी। हाँ तो तू मत नहीं करेगा, साफ साफ ऑर्डर दी वो नहीं करना करके। फिर वो बोला ठीक है, फिर 4 बार नहीं किया मैं। और मॉक भी नहीं दिलाया इस बार आप? हाँ इस बार मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिलाया, वही रीज़न, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा उसको सुधार पाऊंगा नहीं, फिर उस नेगेटिव फीडबैक को लेके मेन इंटरव्यू पैनल के सामने जाना नर्वसनेस पैदा करता है। खासकर एक हिंट नहीं पता क्यों मुझे लग गया था सोनानी सर का बोर्ड मिलेगा तो थोड़ा सा रहता है चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है ना इतने सारे चीज़ों के ना होने के बाद कई लोगों का नीचे कमेंट आने वाला है कि पैसा चला है करके आप चल ही उसके रहा है वो मेरे इंस्टाग्राम में, चल ही रहा है और हाँ बराबर रिप्लाई भी मिल रहा है क्या उनको बोलते हैं ऐसे लोगों को आप जब कोई ये बोलता है कि पैसे के वजह से हुआ है करके? अब सर पहले बात तो उनको रिप्लाई करने का मन करता नहीं है, बट फिर लगता है कि सभी ऑफिसर्स को बोल सुनने को मिल रहा हो गया, तो कोई तो कुछ बोले, सभी शांत हैं, सभी सोच रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा ही, बट नहीं मेरे को लगता है कि अगर मौका है ना बोलने का, सोशल मीडिया है हमारे पास, तो दो ना जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं। लिख दिया, रिप्लाई लिख देता हूँ मैं तो, कि कुछ कुछ मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। एक है अभी जो बोला कि शायद कितने लाख दिया ऐसा कुछ लिखा था, तो उसको रिप्लाई किया था मैं समझिंग कि 30,000 कोचिंग के दिया, 10,000 इसके दिए, 20,000 ऐसा एक बिल बना के उसको दे दिया था। फिर लास्ट में लिखा था कि मेहनत जो आपके बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ लिखा था। तो ये सब इंस्टाग्राम में चलते रहते हैं मजाक मस्ती वहाँ। नहीं कई बार मुझे भी ऐसे यहाँ पे क्योंकि पहली बार किसी को यहाँ पे इंटरव्यू में फेस करना भी ना एक जेन्युइनिटी दिखाता है एक पर्सन का, और हम लोगों की तो पहले भी बातें हुई हैं। जी तो आपका जब AJS में हुआ था तब भी हम लोगों ने बात की थी, जी आप तो वो पता रहता है कि ना भाई हम तो मेहनत करके आए हैं, जी जी सर बिल्कुल हमको ऐसा कोई भी हो नहीं, आप कभी भी आओ कभी भी मिलो। जैसे मैं ही ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं किसी को भी सर से किसी भी टाइप का डाउट होगा, इंस्टा पे हो हाँ फेसबुक पे हो नंबर पे हो, सर क्लियर करते हैं। कई लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि सर बहुत डाउन टू अर्थ हैं और हेल्प करते हैं सबकी, और क्योंकि खासकर आपने उस चीज़ को फेस किया हाँ ये सबसे बड़ी बात थी है ना, आपको गाइडेंस नहीं मिला, आप लोगों से मांगने जाते थे, आप टॉपर से मांगने जाते थे, तो वो खुद भी एक रहता है ना कि मैं तो करूँगा यार अब हेल्प करके। हाँ वो एक थॉट है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है ना, मैं और ख़ासकर मैं उसे पर्सनली पर्सनल मैटर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मेरे फैमिली में ये हो चुका है, मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ भी मैटर हो ना, तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं किसी का
कुछ ऐसे लोगों की बातें सुन पा रहा हूँ जो शायद और दुनिया में किसी को नहीं पता है, और वो मुझ तक पहुँच रही है। तो वो एक तो वो ट्रस्ट मेरे को बहुत खुशी देता है कि सामने वाला इंसान जो है मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट कर रहा है, और वो ट्रस्ट कैसे कि शायद इनके पास उसका सॉल्यूशन है इसलिए वो ट्रस्ट कर रहा है, इसलिए मुझे बता रहा है। तो ये जो फीलिंग है ना सर, वो नेक्स्ट लेवल है। मैं टेलीग्राम मैं इसीलिए एक्टिव रहता हूँ कि कुछ मैसेज आया क्या, और मैं कोशिश करता हूँ कि लेट रिप्लाई ना दूँ किसी तरह से। बहुत 1% भी अगर हेल्प मिल जाए ना और किसी को उससे बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो जाए, तो उससे बड़ी चीज़ नहीं है फिर इस फील्ड में। इस फील्ड में बताने वाले बहुत हैं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है ऐसा करके, बट क्या नहीं करना है ना वो ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि एक एक भीड़ चाल वाली सिस्टम है यहाँ पे इस पीएससी लाइन में कि सब कर रहे हैं, हाँ करना है, सब ये करना नहीं करना है, ये वो बुक, हाँ ये बुक पकड़ लेते हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए सबको। आपको जो सही लग रहा है ना, आपको जिसमें कंफर्टेबल है उसको करोगे तो ज़्यादा बेटर है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। बाकी तो है और ये सरलो। भी है ना, जैसे आपने मतलब लीक से हट के बहुत सारी चीज़ें की है, तो आपको वो पता रहता है कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई लोगों को जब ऐसा कुछ डाउट आता है, वो एक्चुअल में पूछ सकते हैं हाँ, आपसे। जैसे मेंस में मैं जैसे प्री का तो बताया, प्री में मेरा जो वर्क जो मैं टेक्निक अपनाया था वो काम किया। मेंस में बहुत मैं धोखा खाया हूँ, जैसे दो हज़ार नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा वही था अच्छा अच्छा सॉरी कि मेंस को कैसे निकाला जाए, उसके बारे में आप मेंस में बताइए। ना, मेंस में मेरा कोई कॉन्फिडेंट था, मैं लिखता था, पहले ही लिखता आया हूँ। सरस्वती में भी हम सरस्वती वालों का ऐसा एक इमेज बना हुआ है कि लोग लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो एक प्रैक्टिस था हिंदी लिखने का। बट 2019 का पहले बार में ही मेंस निकल गया बिना टेस्ट सीरीज़, बिना प्रैक्टिस के। मैं पहला लाइफ का पहला आंसर शायद वहाँ जाके लिखा हूँ, थोड़ा मोटा प्रैक्टिस किया था किसी सर्वर के सामने, बट मेन क्वेश्चन वहाँ पे जाके मेन एग्ज़ाम हॉल में लिखा हूँ, वो निकल गया। तो एक अलग कॉन्फिडेंट आ गया था कि नहीं मेंस तो ईजी है, निकल जाना चाहिए यही। और उसमें रैंक नहीं लगा, मतलब रैंक लगा 161 रैंक, पोस्ट नहीं मिला, बट एक था कि नहीं यार पहले बार में अगर इतना आ सकता है तो अब तो निकल ही जाएगा। उसी कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में 2020 में भी कुछ नहीं किया मैं, अच्छा। ना तो मेंस टेस्ट री दिलाया, ना खुद का प्रैक्टिस किया। वो दोस्तों के शादी में जा रहा था मैं खुशी खुशी, पेपर के 2 हफ्ते पहले शादी में गया था, मेंस नहीं निकला, वो सबसे बड़ा धक्का। और उसके बाद से फिर लगा नहीं गड़बड़ है। फिर ना 2021 और 22 में बहुत प्रैक्टिस किया लिखने का, बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब मेरे ये उंगली में ना ऐसे निशान बन जाते थे एकदम से, और पेजेस बहुत भरा हूँ, रिफिल बहुत ख़त्म हुए, बहुत लिखा मैं, और दोनों बार मैं बहुत लिखा, दोनों बार रैंक लगा। तो प्रैक्टिस मेंस के लिए तो प्रैक्टिस ही है, वो कोई आपको सुधार के नहीं देगा, कोई थर्ड पर्सन आपको सुधार के नहीं देगा कि कैसे प्रेजेंटेशन बढ़ाना है, कैसे राइटिंग अच्छा दिखाना है, कैसे आप कंटेंट लाना है, वो प्रैक्टिस में ही आएगा, उसका आंसर आप खुद हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सुधार कर लोगे, नहीं कर रहे हो फिर नहीं हो पाएगा, सिंपल है। आपको खुद से इम्प्रूव, और इसमें टेस्ट हाँ सीरीज दिलाया आपने। हाँ इन दोनों बार दिलाया मैं, दोनों बार टेस्ट सीरीज दिलाया, और टेस्ट सीरीज से ज़्यादा खुद लिखा, बहुत बार लिखा था। 3-3 घंटे का शेड्यूल बनता था दिन का, 9 से 12 और फिर 2 से 5 ऐसा टाइप से, और दोनों बार लिखता था और कोशिश करता था कि 3 घंटे से पहले ही ख़त्म कर लूँ। 95 से 31 क्या चेंज आप लेके आए कि बस वो रिवीजन करते करते हो गया। नहीं रिटर्न प्रैक्टिस, मैं हमको इस बार 1 महीने का समय मिला था मेंस में, तो 10 दिन तो मैं सबको रिवाइज़ किया, सब कुछ सातों पेपर को 10 दिन में पढ़ा जल्दी जल्दी, और 10 दिन का टाइम मैं लिखने के लिए निकाला। और उस 10 दिनों में मैंने कम से कम कोचिंग के जो बुक आते हैं नोटबुक प्रैक्टिस करने के, 5 से 6 कॉपी 10 दिनों में भरा था, और लगभग ना बहुत 20-40 पेज रिफिल मैंने लिखा था, बहुत लिखा था, और वही झलका शायद मेरे आंसर कॉपी में। और मैंने मेनली प्रेजेंटेशन पे वर्क किया इस बार, प्री निकल रहे मतलब ये तो समझ आ गए थे कंटेंट सही है मेरे, प्री निकल रहा है 140-140 नंबर आ रहे, समझ गया था कि हाँ कंटेंट सही है, स्ट्रांग है, नॉलेज है। तो उसको मैं दिखाऊं कैसे। मेरा बस माइंड में ये था, मैं कोई भी आंसर लिख रहा था तो एक थॉट माइंड में बैठ गया था कि उस चेकर जो हमारा चेक कॉपी करेगा, कॉपी चेक करेगा, उसके पास सामने से 1000 कॉपियाँ गुजरेंगी उस दिन, तो वो मेरे कॉपी में क्यों रुकेगा, उसका रिश्तेदार तो हूँ नहीं, तो क्यों रुकेगा मेरे कॉपी में। तो कुछ ऐसा वहाँ पे बनाऊँ, कुछ ऐसा लिखूँ, कुछ ऐसा दिखाऊँ कि वो रुके, और रुक रहा है तो कंटेंट देखेगा, और कंटेंट स्ट्रांग है तो रुक रहा है, कंटेंट स्ट्रांग है तो नंबर मिल जाएगा, ये सोच के मैं लिखा था। और ये सारे लिखने के बाद ना मेंस के बाद मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया था कि शायद ये बार रिजल्ट पॉजिटिव आएगा करके, अब ऐसा आएगा नहीं सोचा था, बट ठीक है आ गया। ना वही है, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत इसमें। बहुत
और प्री में रिविज़न और मेंस में प्रैक्टिस, ये दो चीज़ हैं। पर जो चीज़ हम लोग बीच में मिस कर रहे हैं वो ये है कि आप ये सब जॉब करते हुए किए, नहीं उस समय भी ज्वाइनिंग नहीं नहीं की जिस आपकी? दिन मेंस का रिज़ल्ट आया, सॉरी 2021 2021 का का रिज़ल्ट रिजल्ट आया आया, जिसमें जेलर बना, उसी उसी दिन दिन प्री प्री का का रिजल्ट रिज़ल्ट आया आया 2022 का, है ओके। हाँ, ना। तो तो एक एक महीने महीने के के बीच बीच कुछ प्रोसेस प्रोसेस हुआ हुआ ही ही नहीं नहीं हमारा हमारा जेलर वाला, तो फ्री था मैं तो। उस समय, नहीं था। तो अभी आपकी ज्वाइनिंग कब से हो चुकी है यहाँ पे, और कहाँ पर अभी आप पोस्टेड हैं? मेरी ज्वाइनिंग 19 जुलाई से सेंट्रल जेल रायपुर पे हो चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, ओके, ठीक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। अभी काम तो उतना है नहीं, प्रशिक्षण में हूँ अभी जी। है। नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो इंटरव्यू का रहता है, इंटरव्यू में क्या उसका मेरे से करना मत चाहिए? पूछिए, बहुत कम आता है। उसके लिए एक सर है, नाम बताऊंगा, उनको बुलाइएगा, वो मास्टर है इंटरव्यू में, वो हर बार 100 वाले हैं वो। मेरे से तो इंटरव्यू का कोई गाइडेंस नहीं लेना, मैसेज ही मत करना मेरे को इंटरव्यू कैसे होना है। कुछ आइडिया नहीं मुझे, जाके बैठ जाता हूँ, जो नंबर देना रहता है वो लोग स्वेच्छा से दे अच्छा, देते हैं। एक्सपीरियंस बता दीजिए कि क्या पूछते हैं आपसे, मतलब क्या पूछा गया था, कैसा माहौल रहता है वहाँ पे, कौन कौन कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं, वो बताइए। पहले ये तो तो वर्मा वर्मा सर सर का का बोर्ड बोर्ड था, था, पहले पहले जब तो 2019 2019 में में वर्मा वर्मा सर सर का का बोर्ड बोर्ड मिला मिला था था मुझे। मुझे। वो वो सीधा सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन दाग दाग देते हैं देते हैं सीधा। सीधा। आप आए हैं फिर फिर वो वो फैक्चुअल फैक्चुअल शुरू शुरू कर कर देंगे देंगे आपको आपको पूछना पूछना कि कि ये ये क्या क्या था था वो वो क्या क्या था। था। फिर फिर उसमें उसमें तैयारी तैयारी अच्छी अच्छी है है तो तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा नंबर नंबर मिल मिल जाएगा जाएगा उनसे उनसे अगर अगर फैक्ट फैक्ट का का अच्छा अच्छा आंसर आंसर दे दे दिए दिए तो। तो। बाकी बाकी सोनवानी सोनवानी सर सर का का दो दो बार बार से से बाकी बाकी दो दो हजार हजार 21 और 22 में21 और मुझे 22 सोनवानी में सर का मुझे बोर्ड सोनवानी मिला सर है। का तो एक एक तो तो उनका उनका कमरा कमरा बहुत बहुत बड़ा बड़ा है, है। आप आप अंदर अंदर घुसोगे घुसोगे तो तो आप आप उम्मीद उम्मीद करोगे करोगे कि कि सामने सामने बैठे बैठे रहेंगे, रहेंगे, बट बट सामने सामने नहीं नहीं है, है, वो वो ऐसे ऐसे जाके जाके थोड़ा थोड़ा राइट राइट में में दिखते दिखते हैं। हैं। तो तो थोड़ा थोड़ा दो दो कदम कदम आप आप चार चार पांच पांच कदम कदम चलते चलते जाओगे, जाओगे, वो वो लोग लोग देख देख रहे रहे हैं हैं आपको आपको चलते चलते हुए, हुए, तो तो वैसे वैसे ही ही थोड़ा थोड़ा सा सा नर्वसनेस नर्वसनेस आ आ जाता जाता है है कि कि बाप बाप रे रे चार चार लोग लोग बड़े 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 इंसान इंसान हैं, हैं, हमको हमको देख देख रहे रहे हैं, हैं, चलते चलते हुए। हुए। फिर बट बट सोनवानी सोनवानी सर सर का का सबसे सबसे अच्छी अच्छी है है कि कि वो वो आपसे आपसे को को इतना इतना शांत शांत करा करा देंगे। देंगे। जनरल जनरल क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे, पूछेंगे, आइए आइए बैठिए, बैठिए, कैसे कैसे लगी लगी इतना इतना टाइम, टाइम, सब सब ठीक ठीक मतलब मतलब अच्छा 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 पूछता, पूछता, अच्छा अच्छा कंफर्टेबल कंफर्टेबल बना बना देते देते हैं हैं सिचुएशन सिचुएशन को। को। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं आंसर नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता रहती थी, राजनीतिक कुछ पूछ दिए, कुछ लीक से हट के पूछ दिए, तो नहीं बता पाता था मैं, और वो हैंडल सिचुएशन को हैंडल मैं कर भी नहीं पाता था, तो थोड़ा सा नर्वसनेस झलक जाता था चेहरे से, और बस यही चीज़ें थी। इस बार तो थोड़ा हॉबी से ज़्यादा क्वेश्चन उठा था मेरे, मैं जिम का हॉबी डाला था, तो 99% मेरे जिम में पूछ दिया, पूरा अच्छा प्रोटीन कैसे अच्छा बनता है, भाजी में दाल क्यों डालते हैं, तो कब से शुरू किए जिम, क्या क्या करते हो, सब में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे। था मतलब माहौल अच्छा था, तो मेरे को उम्मीद था कि शायद इस बार अच्छा मिलेगा, बट 75 ही दिए मेरे को, ठीक है, बट खुश हूँ उसमें भी। तो मतलब अगर 100s की लीग में रहता तो फिर आपका रैंक कैसा रहता? उसका तो मैं कैलकुलेशन किया ही नहीं हूँ मैं। अच्छा तो ऊपर आ जाता, और ऊपर रहता। मतलब 20-25 के आसपास अगर और आता तो, बट बहुत नंबर है, 20-25 नंबर, ऐसा तो नहीं है कि हेलो है, वो काफ़ी अंतर चेंज कर देता, बट ठीक है, सेटिस्फाइड हूँ इसमें, ऐसा वो नहीं है कि 1 नंबर और मिल जाता, 2 नंबर और मिल जाता, इतना है, माता रानी दे दी है, बहुत खुश हूँ मैं। बिल्कुल। आपका क्या रहता है पोस्ट प्रेफरेंस, आप क्या डाला करते थे, क्या हुआ करता था? इसका भी एक अलग ही है, पहले मतलब पहले डीसी डालता था, फिर डीएसपी डालता था, हर बार मेरा डीसी डीएसपी डीएसपी, उसके उसके बाद बाद जो जो भी भी है है वो भैया भैया लोग लोग से से पूछ 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 के के डाल डाल देता देता था। था। बट बट इस इस बार बार जब जब मैं मैं एक एक महीना महीना जेलर का काम किया, वर्दी मिला, अंदर अंदर जाके जाके देखा देखा कि कि कुछ कुछ काम काम ऐसे ऐसे हो हो हैं हैं वहाँ वहाँ पे पे जो जो शायद शायद मेरा मेरा नेचर नेचर वैसा वैसा नहीं नहीं है है करने करने का, का, मैं मैं शायद शायद उतना उतना हार्ड हार्ड नहीं नहीं बन बन पाऊँगा। पाऊँगा। और और पुलिस पुलिस लाइन लाइन तो, तो जेल जेल और और पुलिस पुलिस लाइन लाइन तो तो अलग अलग चीज़ें चीज़ें हैं, हैं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं कि कि एक एक ही ही हैं। हैं। अच्छा, अच्छा, जेल जेल विभाग विभाग एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है, है, पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग है, है, तो तो पुलिस पुलिस तो तो और और थोड़ा थोड़ा सा सा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है है इस इस मामले मामले में। में। अच्छा, अच्छा, तो तो मैं मैं सोचा सोचा कि कि शायद शायद भगवान भगवान ये ये साइन साइन कर कर रहा रहा है है मेरे मेरे को, को, सिग्नल सिग्नल दे दे रहा रहा है है कि कि तू तू वर्दी वर्दी वाले वाले पोस्ट पोस्ट से से थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहना रहना है है ऐसा ऐसा करके, करके, तो तो मैं मैं वैसे वैसे ही ही सोच सोच के के थोड़ा थोड़ा डीएसपी डीएसपी को को 96 नंबर96 नंबर पे पे डाल डाल दिया दिया था था डर डर के के कि कि नहीं नहीं भाई भाई वर्दी वर्दी नहीं नहीं चाहिए चाहिए करके, करके, घर घर में में बताया बताया कि कि डीएसपी डीएसपी को को 96वें नंबर 96वें नंबर पे पे डाल डाल दिया दिया हूँ, हूँ, वो वो लोग लोग थोड़ा थोड़ा सा सा चिढ़े, चिढ़े, उनका उनका सपना सपना था था डीएसपी डीएसपी बने बने ऐसा ऐसा करके, करके, तो तो वो वो लोग लोग का का वो वो लोग लोग सबसे सबसे कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ बोलते बोलते थे थे कि कि डीएसपी डीएसपी की की पीछे पीछे नहीं नहीं करना करना था, था, तू तू कर कर लेता, लेता, क्यों क्यों डर डर रहे रहे हैं हैं ऐसा ऐसा करके। करके। फिर फिर मेरे मेरे को को भी भी एक एक फील फील हो हो गया गया था था कि कि गलती गलती तो तो किया किया हूँ, हूँ, बट बट अब अब सुधार सुधार सकता सकता नहीं नहीं उसको, उसको, तो तो बोला बोला था था नहीं नहीं मेरे मेरे को को नहीं नहीं चाहिए चाहिए डीएसपी, डीएसपी, या या जो जो भी भी था था ऐसा ऐसा करके करके डालता डालता था, था, बट बट मन मन में में था था कि कि नहीं नहीं यार यार डीएसपी डीएसपी अलग अलग पोस्ट पोस्ट है है ऐसा ऐसा करके। करके। इंटरव्यू इंटरव्यू वाले वाले दिन दिन की की मेरे मेरे पापा पापा और और जीजा जीजा की की बात बात हुआ हुआ कि कि इसको इसको तो तो मिल मिल ही ही नहीं नहीं सकता सकता डीएसपी, डीएसपी,
क्योंकि अच्छा रैंक आया तो ऊपर जाएगा और ऊपर के पोस्ट मिलेंगे, और नीचे गया तो ऑलरेडी नहीं मिलना था रैंक। और हमारे कैटेगरी और जनरल मिला के, OBC और जनरल मिला के 3 या 4 पोस्ट थे, तो उम्मीद था ही नहीं। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन खुशी से ज़्यादा मैं शॉक था कि DSP कैसे मिला मेरे को। मम्मी पापा की ज्यादा सुन ली भगवान। वही है। ये हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में अब जब लिस्ट भी आया था ना, तो स्टार्टिंग में ऐड भी नहीं था। जब पहला हाँ लिस्ट आया था तो उसमें DSP दिखा ही नहीं था ना, हाँ उसके बाद वो ऐड हुआ था, और हाँ उसके बाद आपका वो मिलना, वो मतलब यही एकदम सब है। किस्मत वाली बात होती है, वर्दी हाँ पुकारती है कई लोग नहीं, ये कहते हैं तो मेरे को वो। दोस्त लोग बोलते थे, दोस्त यार जो भैया हैं, आकाश भैया, सौरभ भैया हैं, दो दो भैया हैं मेरे लिए, वो लोग संदीप भैया हैं, इस फील्ड में काफ़ी मोटिवेट करते थे, तो वो लोग हमेशा से बोलते थे कि नहीं DSP तेरा DSP, वो बस हाइट हेल्थ को देख के बोलते थे वो सब। वो लोग भी जानते थे कि अंदर से पूरा अलग है ये। सेंसिटिव है। हाँ आकाश भैया बोली देते थे तो DSP ही बन रहे इस बार, वो लोग लिख के दिए थे ऐसा टाइप से था उनका, तो वो उन्हीं को बात लग है। तो आप उनको पहले ही बोल दीजिए, मतलब टैग आप पहले ही कर दीजिए वो कि अभी कौन तैयारी है में। वो इंटरव्यू एक्सपर्ट्स अच्छा जिनको वो आप विनय कहना चाहते हो। कश्यप 2021 के DSP हैं वो, उनको पता है कि इंटरव्यू के लिए मैं उनका नाम लूंगा ही, उनको पता है वो हैं, वो इंटरव्यू के लिए स्पेशल उनसे क्लास ले सकते हैं आप। क्या वहाँ इंटरव्यू पैनल में जाके क्या वो लोग क्या मोहनी खिलाते हैं वो पता नहीं। उनका अच्छा इतना बहुत अच्छा अच्छा नंबर आता है जाता उनका, है उनका पर्सनैलिटी भी है कि नंबर काट ही नहीं सकते उनका, ऐसा है। है। अच्छा है। नहीं मैं भी मतलब यहाँ पे कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, 108 115 ऐसे लेके आए नहीं हैं, देखो एक और उनकी बार पर्सनालिटी एक्चुअल में रहती है। कोई एक बार लाया तो ठीक है, कंटिन्यू 3 बार से कोई कैसे ला रहा है, अरे मतलब वाह। पर्सनैलिटी वैसा है उनका, है अच्छा है वो, बढ़िया स्कोर विनय जी करते हैं। हैं मेरे कांटेक्ट में हैं जी वो। DSP हैं, 2021 के DSP हैं हाँ वो। 2021 के लिए इसमें नाम सुना है उनका कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो सर आप पहले हैं जिनको हम लोग पहले से ही टैग कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। कुछ एक फाइनल वर्ड चाहिए आपके तरफ से कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहिए, आपका क्या माइंडसेट था, बस इस चीज़ को अगर आप पकड़ के रख लोगे तो कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। इसका ना एक ही क्यों वर्ड बैठे हो है, विश्वास, विश्वास। आप आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, हैं, बहुत बहुत ख़राब खराब स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, हैं, क्लास क्लास में में अच्छा अच्छा परफॉर्म परफॉर्म कर कर रहे रहे हो, हो, टेस्ट टेस्ट में में अच्छा अच्छा ला ला रहे रहे हो, हो, नहीं नहीं ला ला रहे रहे हो, हो, वो वो सब सब एक एक साइड साइड है, है। तराजू तराजू के के एक एक पलट पलट में में उसको उसको रख रख दीजिए, दीजिए, एक एक तरफ तरफ विश्वास विश्वास रख रख दीजिए, दीजिए, विश्वास विश्वास ही ही सब सबको कुछ दिलाएगा दिलाएगा आपको। आपको, विश्वास विश्वास नहीं नहीं ना ना तो तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से अच्छे अच्छे स्टूडेंट स्टूडेंट हड़बड़ा हड़बड़ा के के ना ना गड़बड़ी कर गड़बड़ी कर देगा वो देगा वो मेरे मेरे को। को। एक एक तो तो सबसे सबसे पहली पहली बात, बात, एक एक मैं मैं एवरेज एवरेज या या बिलो बिलो एवरेज एवरेज बोल बोल सकते सकते हैं हैं मुझे मुझे स्कूल स्कूल टाइम टाइम में, में, कॉलेज कॉलेज टाइम टाइम में, में, बट बट वो वो एक विश्वास विश्वास ही ही था था जो जो मेरे मेरे को को इस इस फील्ड फील्ड में में आने आने का का दिया दिया चांस, चांस, कि कि नहीं नहीं तू तू कर कर सकता सकता है है सुमित सुमित ऐसा ऐसा करके। करके। उसके उसके साथ साथ एक एक बार बार फेलर फेलर देख देख चुका चुका मैं, मैं, 2018 2018 का, का, 19 19 20 20 21 21 क्यों क्यों मैं मैं बार 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 उठ उठ रहा रहा हूँ, हूँ, क्यों क्यों बार 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 फिर फिर से से फाइट फाइट करने करने के के लिए लिए रेडी रेडी हो हो रहा रहा हूँ, हूँ, वो वो विश्वास विश्वास था। था। खुद खुद पे पे विश्वास, विश्वास, पापा पापा जी जी का का विश्वास, विश्वास, ये ये दो दो विश्वास विश्वास मेरे मेरे को को हर हर बार बार मेरे मेरे को को मोटिवेट मोटिवेट किया। किया। अब अब पढ़ाई पढ़ाई तो तो कर, कर, इस इस फील्ड फील्ड में में आने आने पढ़ाई पढ़ाई तो तो करनी करनी है, है, हार्ड हार्ड वर्क वर्क तो तो है है ही, ही, ये ये सब सब तो तो है, है, बट बट विश्वास विश्वास कभी कभी खोना खोना नहीं। नहीं। कोई भी कोई भी अगर अगर आपको आपको 4 साल4 साल लगे, लगे, 5 साल 5 साल लगे, लगे, अगर अगर आपको आपको खुद खुद के के ऊपर ऊपर विश्वास विश्वास है है ना ना कि कि नहीं नहीं कर कर सकते सकते हैं, हैं, तो तो आप आप करोगे, करोगे, उस उस विश्वास विश्वास को को कम कम नहीं नहीं होने होने देना देना प्लीज़। प्लीज़। अगर अगर सेल्फ सेल्फ डाउट डाउट है, है, डीमोटिवेशन डीमोटिवेशन लग लग रहा रहा है, है, तो तो ब्रेक ब्रेक ले ले लो, लो, बट बट उस उस विश्वास विश्वास को को कहीं कहीं खोने खोने नहीं नहीं देना, देना, वो वो बहुत बहुत मस्ट मस्ट है है सर। सर। क्योंकि क्योंकि मैं मैं एक एक लाइन लाइन बोलूँगा, बोलूँगा, जो जो 2020 2020 के के 2020 2020 का का मेंस मेंस नहीं नहीं निकला निकला था था मेरे मेरे को को मेरा, मेरा, और और वो वो जो जो टाइम टाइम था था वो वो रात रात जो जो मैंने मैंने बिताया बिताया है है करवटे करवटे बदल 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 के, के, वो वो बहुत बहुत टफ टफ था था मेरे मेरे लिए, लिए, मैं मैं सो सो ही ही नहीं नहीं पाया पाया था, था, पूरे पूरे सूबे सूबे तक तक नहीं नहीं सो सो पाया पाया था। था। वही वही स्थिति स्थिति शायद शायद मेरे मेरे पापा पापा जी जी का का रहा रहा होगा, होगा, मेरे मेरे को को पता पता था था कि कि शायद शायद वो वो भी भी नहीं नहीं सो सो पाए पाए होंगे, होंगे, उनका उनका कॉल कॉल आया आया सुबह सुबह सुबह, सुबह, और और पता पता था था उनको उनको कि कि मैं मैं परेशान परेशान हूँ। हूँ। उनका उनका एक एक लाइन लाइन था था कि कि बेटा बेटा जाना जाना बाहर बाहर सूरज सूरज को को देख देख एक एक बार बार ऐसा ऐसा करके, करके, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी में में बोले बोले वो वो कि कि जाना जाना बेटा बेटा बाहर बाहर जाना जाना सूरज सूरज ले ले देख देख गए, गए, मैं मैं बाहर बाहर गया, गया, हाँ हाँ पापा पापा दिखा दिखा थे। थे। तो तो बेटा बेटा वो वो कल कल डूब डूब भी भी रही रही थी, थी, आवाज आवाज फिर फिर से से उग उग गया गया हुआ, हुआ, तय 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 मोर मोर बेटा बेटा हो हो के के कैसे कैसे थे थे निराश निराश हो हो सका सका था, था, तय तय काबू काबू नहीं नहीं उठ उठ सका सका फिर फिर से। से। और और वो वो लाइन लाइन ऐसा ऐसा हिट हिट किया किया कि कि उस उस दिन दिन से से मैं मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया, किया, लिखना लिखना शुरू शुरू कर कर दिया, दिया, 2021 2021 का का फिर फिर मैं मैं पोस्ट पोस्ट उठा उठा लिया, लिया, तो तो वो वो एक एक लाइन लाइन लाइफ लाइफ में में एक एक लाइन लाइन ऐसा ऐसा चेंज चेंज कर कर देता देता है है ना ना सिचुएशन सिचुएशन को को कि कि कुछ कुछ बोल बोल नहीं नहीं सकते। सकते। तो तो ऐसे ऐसे लोगों लोगों को को अपने अपने पास पास रखिए रखिए जो जो आपको आपको मोटिवेट मोटिवेट कर कर रहे रहे हैं हैं हमेशा। हमेशा। नहीं नहीं मिल मिल रहे रहे तो तो मेरे मेरे को को मैसेज मैसेज करो, करो, मैं मैं बहुत बहुत मोटिवेट मोटिवेट करूँगा। करूँगा। तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं।
यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और अपना कहानी सुनाए। जी सर। थैंक यू इस बात के लिए कि आप इतने पॉजिटिव हैं बोलने के लिए भी कि कोई नहीं होगा तो मैं होऊंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, जितने आप बड़े होते जाते हैं ना, कोई एक भी बंदा आपके पास रहता है ना जो ये बोल दे कि कुछ नहीं होगा तो मैं रहूंगा तेरे साथ। बहुत हेल्प करता है सर। जैसे 2020 में जब मेरा मेंस नहीं निकला था ना, मैं एक क्लास मतलब अपने कमरे में किनारे पे बैठा हुआ था, और उस टाइम सौरभ भैया आए, सौरभ भैया थे, वो बोले थे कि मैं तेरे को छोड़ ही नहीं सकता इस स्थिति में। वैसे ही पापा जी भी बोले, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम इतना कारगर साबित हो जाता है ना कभी कभी, कि आप समझ नहीं सकते कि किसी की लाइफ को कैसे कन्वर्ट कर दें। अगर ये 2-3 लोग मेरी लाइफ में नहीं रहते तो अभी मैं यहाँ बैठे ही नहीं रहता। मैं कब सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो जो कॉलेज टाइम में हम सपना देखे थे, मैं और मेरा दोस्त वैभव, पोल्ट्री फार्म खोलने का, अभी कहीं कभी पोल्ट्री फार्म खोल के बैठे रहते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हैं सर। कभी आपको लाइफ कहाँ लेके चली जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बदल सी देती है। कहाँ वो लड़का, वो बच्चा जो अंडे के बारे में सपना देख रहा था, वो आज DSP बन चुका है। मतलब उन्हीं दोस्तों को आप जब आप कॉल लगाते होगे, पुरानी बातें याद करते सारी होगे, सारी तो बातें याद आती है कि क्या क्या बात करते थे। हम तो पोल्ट्री फार्म गए भी थे पूछने कि कितना बड़ा ज़मीन चाहिए, कितने अंडे आते हैं, क्या करना पड़ता है, कैसे सब चेंज हो जाती है ना, कहीं पता नहीं चलता सर। थैंक यू सो मच। इसलिए भी कि जो लोग शायद आज अपने आप को रोक रहे होंगे इस तैयारी को करने से, वो लोग भी एक आस बनाएंगे। और क्योंकि ये वीडियो हमेशा रहेगा, हमेशा रहते ही ना कोई चीज़, तो कोई भी एक ना शायद वो आपसे जो कनेक्ट कर पाएगा ना कि यार ये भी तो मेरे ही जैसे करके, ये भी तो मैकेनिकल से करके निकले हुए हैं, ये मैं भी 11वीं में फेल हो गया था, मैं भी सोचता रहता हूँ कि बिजनेस कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ी बात वो होती है सर कि आप अगर आज नहीं किए किसी चीज़ का शुरुआत, रिस्क नहीं लिए, तो 2 साल बाद आप पलट के देखेंगे ना कि मैं उस टाइम नहीं सोच पाया यार या नहीं कर पाया, बहुत अखरता है। जैसे इन 5 सालों में ही मैं कई डिसीजन ऐसे रहे हैं मेरे कि मैं पलट के देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश ऐसा कर देना था, कैसे कर लेना था, तो आज पछताना नहीं पड़ता। जैसे 5 साल मुझे लग गए, अगर शुरू में ही मैं किसी अच्छे से गाइडेंस ले लेता तो इतना साल नहीं लगता। क्यों नहीं ऐसा मिल पाता सर गाइडेंस ये? गाइडेंस, एक तो सर स्टार्टिंग में शायद बच्चा संकोच में रहता है, उसको पर जब वो आ रहे तो खुद पे उसको उतना शायद विश्वास नहीं रहता कि मैं किससे पूछूं क्या पूछूं, ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ने के लिए है, कोचिंग ज्वाइन किए रहते हैं, टेस्ट सीरीज़ है, बहुत व्यस्त हो जाते हैं वो अपने आप में ही, अपने शेड्यूल में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो खुद सोचने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं कि मैं करूँ क्या। जैसे मेरे साथ हुआ था 2018 का पूरा साल मैं इतना बिजी था कि मैं प्लानिंग ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे को करना क्या है, मैं मेंस के लिए फिर कैसे पढ़ूंगा, इंटरव्यू का क्या करूंगा, मेरे को बस बुक है, हाँ मैं पढ़ना था पढ़ना है, कोई सीनियर है तो नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ ना। एक ईगो शायद आ जाता है कि अभी नए नए हैं यार, अभी क्या पूछें, क्यों पूछें, सामने वाला तो टीचर तो है हमारे पास, बट एक स्पेशल टच की ज़रूरत रहती है, वो टच अगर किसी को मिल गया तो किस्मत वाले हैं वो। बहुत सही, थैंक यू फिर से आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वेलकम सर। एंड विनय सर, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम इनवाइट करती है कि यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। अभी और एक वीडियो आने वाला है जल्दी, सर एक्सप्लेन करेंगे AJS के पोजीशन को, क्या होता है जेल के अंदर, क्या होता है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कोई भी डाउट है वो ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग सर का जो RTI कॉपीज़ हैं, या सर आपका जो टेलीग्राम चैनल होगा अगर गाइड करते होंगे तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, और किसी को भी सर से कांटेक्ट करना होगा तो वो भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर।